अवसर उपलब्ध कराने के लिए जन सरोकार मंच टोंक और देवेंद्र जोशी जी का बहुत बहुत आभार। इस कोरोना काल में देवेंद्र जी, माया मृग जी जैसे कुछ लोग हैं जो हमें मिलने और बातचीत करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आनंद हूँ और पेशे से पत्रकार हूँ। आज हमारा विषय है खबरों के पीछे का सच। अगर आपके सामने बैठकर इस सच पर बात की जाती तो शायद आसान होता। फेसबुक लाइव पर इस तरह बात करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि अपनी बात आप तक पहुँचा सकूँ। खबरें तो हम अखबार में पढ़ ही लेते हैं, लेकिन उस खबरों के वहाँ तक पहुँचने में और उनके बनने के पीछे बहुत सारा मेहनत और वक्त लगा होता है। कई खबरें तो ऐसी होती हैं जिन्हें खबर बनने में ही महीनों का समय लग जाता है। जाहिर है कि उस खबर के पीछे का सच भी उतना ही बड़ा होगा। आज यहाँ हमारे पास वक्त थोड़ा कम है, मैं कोशिश करूँगा कि आधे घंटे में अपनी बात पूरी करूँ। खबरें बहुत सारी थी, संबल के डकैतों से मुलाकात है, राशन घोटाला, प्रसव यातना केंद्र, ड्रग्स माफिया, कोटड़ा और आदिवासी क्षेत्रों में मानव तस्करों से छुड़ाए गए बच्चे, महिलाओं को डाइन बनाने वाले भोपों का स्टिंग, बहुत सारी खबरें हैं इस तरह की। लेकिन आज हम इन सब से अलग रामकन्या की कहानी पे बात करेंगे। रामकन्या जो भीलवाड़ा की एक बुजुर्ग महिला थी और उसे डाइन बताकर कमरे में कैद किया कर दिया गया था। 23 अगस्त 2018 को रामकन्या की स्टोरी छपी थी। तो चलिए अब रामकन्या की कहानी पर बात करते हैं। मंगलवार 22 अगस्त 2018 सुबह 5 बजे का वक्त होगा जब फोन की घंटी सुनकर मेरी आंख खुली। फोन उठाता उससे पहले ही कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। रात को ऑफिस से घर आने में देर हो गई थी, ऐसे में अल सुबह फोन की घंटी सुनकर गुस्सा भी आया। फिर भी मोबाइल हाथ में उठाकर कॉल पर नजर डाली तो वह कोई अनजान नंबर से थी। नींद में खलल की वजह से दिमाग में आया कि मोबाइल को स्विच ऑफ कर वापस हो जाऊं, लेकिन भीतर का पत्रकार जाग उठा। उन्नीदी आंखों को मसलते हुए मैंने उस नंबर पर डायल कर दिया। घंटी जाते ही सामने से आवाज आई, आप भास्कर से बोल रहे हैं? मेरे हाँ कहते ही बोला, एक बहुत बड़ा मामला है। मेरे क्या पूछने से पहले वह कह उठा, हमारे गांव में एक महिला को 20 दिन से कैद रखा हुआ है। मैंने पूछा क्यों, तो बोला दबंगों ने उसे डाइन बताकर घर में कैद कर दिया है। 20 दिन से उसने कुछ नहीं खाया है, उसे बचा लो साहब, नहीं तो वह मर जाएगी। मैंने पूछा कौन लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया? उसने कहा मेरी जात के दबंग लोग हैं, लेकिन मुझसे उसकी हालत यह देखी नहीं जा रही। मैंने गांव और पंचायत का नाम पूछा तो उसने कहा आप उस गांव और महिला को अच्छी तरह जानते हैं। मैंने कहा मैं जानता हूं, कैसे? उसने कहा कि उस महिला को कागजों में मर्द बताकर पेंशन बंद कर दी गई थी, आप वह खबर करने हमारे गांव आए थे। अब मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था, फिर भी मुझे महिला का चेहरा याद नहीं आया। मैंने कहा लेकिन मुझे अब भी याद नहीं आ रहा। वह बोला आप जब आए थे तब वह लाल ओढ़नी ओढ़े अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ी थी। मुझे फिर भी कुछ याद ना है। मैंने कहा मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। वह बोला आप देरी मत करना, नहीं तो एक दिन दो दिन में वह मर जाएगी बेचारी। मैंने कहा मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। इस कॉल से मेरी नींद उड़ गई थी, मैंने तुरंत अपना लैपटॉप निकाला और उसमें पेंशन की फ़ोटो ढूंढने लगा। भीलवाड़ा जिले के भोली गांव के फोल्डर को खोलकर देखा तो लाल चुनरी वाली वह महिला नजर आ गई। लैपटॉप वापस बंद कर उसे फिर कॉल लगाया। कॉल उठाने के बाद मैंने पूछा प्रभावशाली लोगों ने उसे घर में कैद किया है तो हम उसे बाहर कैसे निकालेंगे? वह बोला आप तो पत्रकार हो, आपको कौन रोकेगा? मैंने कहा पर गांव वालों को तो थोड़े पता है कि हम अखबार वाले हैं। वह बोला मुझे उसकी हालत देखी नहीं जा रही, इसलिए आपको बताया है, अब आप देख लो उसे छुड़ा सकते हो या नहीं। एक बार फिर मैंने कहा चलो मैं देखता हूँ। इसके बाद चाय पीकर मैं कुछ देर बाहर टहलता रहा। इस दौरान मेरे दिमाग में लगातार यही चल रहा था कि इस महिला को वहाँ से आज़ाद कैसे कराया जाए। इस दौरान ख्याल आया कि अगर पुलिस को साथ लेकर जाएं तो वहाँ से निकालना आसान होगा। अब मैं ये सोचने लगा था
कि पुलिस हमारे साथ क्यों जाएगी। यह सब कुछ जो भी हो, लेकिन मैं यह तय कर चुका था कि महिला को आज़ाद जरूर कराना है। इसके बाद मैं सुबह 9 बजने का इंतजार करने लगा। यह इंतज़ार इसलिए ताकि स्टेट एडिटर लक्ष्मी प्रसाद पंजी को सूचना दे सकूं। सुबह जल्दी उन्हें इसलिए डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था क्योंकि वे भी हर रात को 2:30 बजे ही घर जाते हैं। ऐसे में उन्हें अल सुबह कच्ची नींद में उठाना मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर भी करीब 9:45 बजे मैंने उन्हें कॉल लगा दिया। 3-4 घंटे के बाद उन्होंने फ़ोन उठाया। मैंने उन्हें पूरे मामले की जानकारी दी और पूछा, क्या हम उस महिला को बचा सकते हैं? उन्होंने तुरंत कहा, बचाना ही चाहिए, यही असली पत्रकारिता है। उनकी मंजूरी मिलने के बाद मैंने साथी रिपोर्टर रणजीत सिंह चारण और फोटो जर्नलिस्ट अनिल शर्मा और टैक्सी वाले को फ़ोन किया और 1 घंटे में तैयार रहने के लिए कहा। सुबह 7:30 बजे हम भीलवाड़ा के रास्ते पे थे। अच्छा, आप लोग सब आ गए हैं, माया जी भी हैं, अनिल जी हैं, महेश जी हैं। मुझे हालांकि पढ़ना नहीं आता है, ये अच्छी तरह लिख सकता हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा उसके बारे में बता सकूँ। जो भी गलतियाँ हैं आप उन्हें नज़रअंदाज करना। तो हम दोपहर 10:30 बजे हम भीलवाड़ा के लिए निकल गए। दोपहर 2:30 बजे हम भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट में थे। हमने तय किया कि पहले कलेक्टर को सारी जानकारी देंगे, इसके बाद अगर उनका सहयोग मिला तो वहाँ पहुँचकर वर्दा को मुक्त कराने का प्रयास करेंगे। कलेक्ट्रेट में उस दिन गणेश चतुर्थी के जुलूस को लेकर तैयारी बैठक चल रही थी, इसलिए पुलिस और प्रशासन के सारे आला अफसर वहीं मौजूद थे। भीलवाड़ा संवेदनशील जिला है, इसलिए कानून और व्यवस्था को लेकर वहाँ ज़्यादा एहतियात बरतनी पड़ती है। करीब 5 मिनट बाद ही कलेक्टर मुक्तानंद अग्रवाल ने हमें अपने चैम्बर में बुला लिया। पुलिस अधीक्षक प्रदीप मोहन भी वहीं मौजूद थे। कुर्सी पर बैठते ही कलेक्टर ने पूछा, बताइए कैसे आना हुआ? पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में वह सब बताना हमें थोड़ा असहज लगा। कलेक्टर ने स्थिति भांपकर कहा, आप चिंता मत कीजिए, जो भी बात है खुलकर बताइए। हमने महिला को डायन बताकर कैद किए जाने की जानकारी दी तो पुलिस अधीक्षक बोले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आज के ज़माने में किसी महिला को इस तरह कैद किया जा सकता है क्या भला? हमने बताया, उसे डायन बताकर कैद किया गया है तो बोले, ये डायन वाइन कुछ नहीं होती, ये सब एनजीओ और मीडिया की फैलाई हुई अफवाहें। हमने एक बार फिर कहा, सर ये पूरी तरह सच है, उस महिला को गाँव वालों ने 20 दिन से कैद कर रखा है। एसपी ने पूछा, आपने वहाँ जाकर देखा है? हालांकि हम उस गांव में नहीं पहुँचे थे, फिर भी मैंने कहा, हाँ हमने देखा है। एसपी ने पूछा, कौन सा गांव है? हमने उन्हें गांव की सही सूचना नहीं दी, बल्कि उसके निकट ही दूसरे गांव का नाम बता दिया। हमें पता था कि यदि हम सही गांव की बात और पीड़ित का नाम बता दिया तो पुलिस हमसे पहले पहुँचकर मामले को दबाने की कोशिश करेगी। इसके बाद करीब 25 मिनट तक माहौल में खामोशी पसरी रही। फिर कलेक्टर ने हस्तक्षेप किया, एसपी की तरफ देखकर बोले, यह किसी महिला की ज़िंदगी से जुड़ा मामला है, इसलिए हमें एक बार मौके पर जाकर देखना चाहिए, अगर सूचना गलत भी होती है तो भी देखने में क्या हर्ज है। उनकी बात का असर हुआ। एसपी ने कहा, मैं डिप्टी को फ़ोन कर देता हूँ, वो पुलिस टीम इनके साथ भेज देंगे। अग्रवाल ने कहा, मैं भी तहसीलदार को फ़ोन कर देता हूँ, वो भी इन्हें वहाँ मिल जाएंगे। इसके बाद हमारे सामने ही एसपी ने डिप्टी और कलेक्टर ने तहसीलदार को पूरे मामले की जानकारी दी और हमें मंगरोव थाने जाने के लिए कहा। करीब 20-22 मिनट बाद हम मंगरोव थाने में थे। एसएचओ मूलचंद मीणा के सामने बैठे थे। उन्होंने हमारे पहुंचने से पहले ही पुलिस जाब्ता तैयार कर रखा था। करीब 5 मिनट बाद ही 108 एम्बुलेंस और हमीरगढ़ SDM रेणु मीणा भी वहाँ पहुँच गई। दोपहर 3:45 बजे 8 गाड़ियों के काफिले के साथ हम भोली गाँव के लिए रवाना हुए। सात या आठ मिनट में हम पुलिस बल के साथ रामकन्या के घर के बाहर पहुंच गए। इतनी बड़ी संख्या में पुलिस की गाड़ियां देखकर गांव में हड़कंप सा मच गया था। हमारी गाड़ी रुकते ही मैं रामकन्या के घर की तरफ लपका। उसकी बहू झोपड़ी के बाहर ताला लगा रही थी। ताला लगाकर वह जैसे ही पीछे मुड़ी, मैंने पूछा, रामकन्या कहाँ है? कुछ देर तक तो उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। मैंने फिर पूछा, रामकन्या कहाँ है? लेकिन मेरी बात को अनसुना कर वह पीछे की तरफ, घर की तरफ दौड़ गई। हम भी उसके पीछे पीछे वहां जा पहुंचे।
घर के सामने एक बुजुर्ग बैठा था। हमने उनसे भी रामकन्या के बारे में पूछा तो उन्होंने भी वही शब्द दोहराए, मुझे पता नहीं। तब तक मेरे पीछे खड़ी महिला पुलिसकर्मी आगे आई और कड़कदार आवाज में जोर से डांट कर बोली, इस बुजुर्ग और महिला को गाड़ी में डालो, थाने में पहुंचते अपने आप याद आ जाएगा। इस डांट का असर हुआ। बुजुर्ग ने बहू की तरफ देखकर कहा, जा दिखा दे इन्हें। बहू हाथ में चाबियों का गुच्छा थामे फिर उसी झोंपड़ी की तरफ आ गई। पहले उसने झोंपड़ी के बाहर का दरवाजा खोला, भीतर अंधेरा था। उसके बाद उसने झोंपड़ी के भीतर बनी कोठरी का ताला खोला। कोठरी का दरवाजा खुलते ही भीतर से रामकन्या की जोर जोर से रोने की आवाजें आने लगी। हम भी उसकी तरफ लपके 6x4 की छोटी सी कोठरी में वह बूढ़ी बेजान देह पैरों में पेट घुसाए पड़ी थी। पूरी कोठरी में बहुत तेज बदबू थी। वह बस रोए जा रही थी, रोते रोते एक ही शब्द बड़बड़ा रही थी, मुंह ढाकन कोनी, मुंह ढाकन कोनी। उसी टूटी खाट पर रामकन्या निढाल पड़ी थी। उसका शरीर सूख कर कांटा हो गया था, वह हड्डियों का ढांचा रह गई थी। उसकी चारपाई के नीचे सूखी रोटियों का ढेर लगा था। वहां के हालात देखकर मेरी आंखें चलचला आईं। एसडीएम रेणु मीणा और महिला पुलिसकर्मी का भी हाल मेरे जैसा था। बड़ी मुश्किल से हमने आंखों में बहते आंसू छिपाए। रामकन्या के कंधे पकड़कर हमने उसे ढांढस बंधाया। 5 मिनट तक वह कमरे के बाहर गोबर के फर्श पर बेसुध पड़ी सिसकियां भरती रही। बड़ी मुश्किल से शांत कराकर हम उसे झोंपड़ी से बाहर लेकर आए। बिना सहारे के वह खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। दोनों तरफ से उसके कंधे थामकर हम उसे बाहर लाए। बाहर खुले आसमान में आते ही वह जोर जोर से रोने लगी। उसे तो रोशनी देखे भी 20-22 दिन हो गए थे। रामकन्या की चित्कार सुनकर वहां ग्रामीणों की भीड़ जमा हुई थी। इनमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जो उसे वहीं मरते हुए देखना चाहते थे। हमारे साथ 5-6 पुलिसकर्मी थे और गांव के लोगों की वह भीड़ 100-200 की होगी। हमें डर था कि कहीं भीड़ हम पर न टूट पड़े, फिर तो जान बताना मुश्किल हो जाएगा। एक तो रामकन्या की वह हालत और दूसरे ग्रामीणों के चंद्रमाए चेहरे देखकर डर लगने लगा था। मौके की नज़ाकत भांपकर एसएचओ मूलचंद मीणा भीड़ के सामने आए। उन्होंने ग्रामीणों को डांटते हुए दूर हटने के लिए कहा। उनकी इस चेतावनी का भीड़ पर ज़्यादा असर नज़र नहीं आया। तभी हाथ में लाठी लिए एक दूसरा पुलिसकर्मी सामने आया। लाठी ऊपर उठाकर बोला, 1 मिनट में ये सब लोग नहीं हटे तो सबको थाने में ले जाकर वह हालत करूंगा कि कभी भूल नहीं पाओगे। इस धमकी ने असर दिखाया, सब लोग थोड़ा पीछे हट गए। अच्छा, तो आप लोगों को कहानी पसंद आ रही है? ये रामकन्या की सच्ची कहानी है और इसे मैं जब भी इसको याद करता हूँ तो एकदम वो पूरे दृश्य मेरी आंखों के सामने घूमने लग जाते हैं। दीपक जी हैं, हुकुमचंद जी हैं, राजा राम जी भी देख रहे हैं, बहुत सारे लोग, सब लोग जाने पहचाने लोग हैं। तो ये रामकन्या की एकदम सच्ची कहानी है। तो हम उसे धमकी दी और वो लोग पीछे हट गए। इसके बाद रामकन्या को एम्बुलेंस में बिठाकर एसएचओ ने थाने चलने के लिए कहा। इसी बीच मैंने उन्हें टोकते हुए कहा, सर थाने बाद में चलेंगे, पहले इन्हें अस्पताल लेकर चलते हैं। एसएचओ ने मेरी बात मानकर गाड़ियों का काफिला भीलवाड़ा की तरफ घुमा दिया। हमारे अस्पताल पहुंचने तक शाम ढल चुकी थी। इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टर हमारे साथ पुलिस और प्रशासन की गाड़ियां देखकर तुरंत रामकन्या के पास जा पहुंची। ब्लड प्रेशर और अन्य जांच की। जांच करते हुए डॉक्टर बोली, यह जिंदा कैसे बच गई? हमने डॉक्टर की तरफ देखा तो बोली, इस हालत में इंसान जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए मैंने कहा है। रामकन्या को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। तब तक उसका परिवार भी वहां पहुंच चुका था। रामकन्या ने पति ने पुलिस को जो बयान दिया वह तो बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला था। उन्होंने बताया कि उसके घर के सामने से दबंगों की बेटी स्कूल में पढ़ने जाती थी। एक दिन वह बीमार हो गई तो परिजन उसे भोपे के पास ले गए। भोपा भीलवाड़ा, राजसमंद, डूंगरपुर और ये पूरा जो बेल्ट है इसमें भोपे जो होते हैं वो जो पूजा पाठ और जो गांव में छोटे छोटे देवरे बनाए रखते हैं वहाँ लोगों का भविष्य बताते हैं कि इसकी बकरी क्यों मरी, इसके खेत में फसल क्यों नहीं हुई। अनपढ़ भोपे हैं, बिल्कुल तांत्रिक मान सकते हैं आप उसे। वो थे भोपे ने कहा, इसके डायन लगी हुई है। डायन आपके गांव की महिला है और उसका घर स्कूल के रास्ते में। बस परिजनों ने इतना सुनते ही अपने दिमाग में रामकन्या का चेहरा सामने ले आए और रामकन्या को डायन मान लिया और सीधे रामकन्या के घर पहुंचे।
उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। रामकन्या के पति और बेटों ने टोकना चाहा तो उन्होंने बुरी तरह से पीटा। गांव वालों ने रामकन्या के परिवार को गांव छोड़कर जाने की धमकी दी। रामकन्या के पति ने हाथ पांव जोड़े तो उन्होंने रामकन्या को घर में कैद रखने के लिए कहा। दबंगों के डर से परिजनों ने रामकन्या को घर में 2 तालों में कैद कर लिया। उस भयंकर गर्मी में बिना रोशनदान वाले कमरे में कैद रामकन्या ने 20 दिन से ठीक से खाना भी नहीं खाया था। बहुत दिन में 2 बार कोठरी खोलकर रोटी रखकर वापस चली जाती। कोठरी में कैद रामकन्या से न कोई पानी पी लिए पूछता, न कोई मलमूत्र साफ करने आता। उस नर की हालत में परिवार ने रामकन्या को मरने के लिए छोड़ दिया था। रामकन्या पल पल मौत का इंतजार कर रही थी। अस्पताल से फ्री होकर रात 11 बजे हम खबर तैयार करने में जुटे। रात 12 बजे तक हमने खबर और फोटो जयपुर भेजे। पूरे दिन हमने कुछ नहीं खाया था, पानी भी बहुत कम किया था, दिमाग सुन्न हो गया था, सर बुरी तरह फटा जा रहा था। उस दिन रात करीब 1 बजे खाना नसीब हुआ, सरदर्द की गोली ली, तब जाकर नींद आई। 23 अगस्त 2018 को सुबह फ्रंट पेज और राजस्थान पेज पर रामकन्या को कैद किए जाने और उसे मुक्त कराए जाने की बड़ी स्टोरी छपी। इसका असर था कि अगले दिन उसे डायन बताने वाले 8 लोग पुलिस की गिरफ्त में थे। सभी दोषियों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने अस्पताल से छुट्टी मिलते ही रामकन्या को उसके घर वापस पहुंचाया। प्रशासन ने जो तत्परता हमारे साथ मिलकर रामकन्या को मुक्त कराने में दिखाई, वह उसे मुआवजा देने या अन्य सहायता देने में नहीं दिखाई। पहले गांव के डर से रामकन्या घर में कैद थी और अस्पताल से वापस गांव में आने के बाद लोकलाज के डर से उसने खुद को घर में कैद कर लिया। हालांकि रामकन्या को प्रताड़ित करने वाले भोपे और वो लोग गिरफ्तार किए जा चुके थे, लेकिन वह कभी भी उस सदमे से उबर नहीं पाई। इस घटना के 15 महीने बाद रामकन्या ये दुनिया छोड़ गई। रामकन्या के निधन की सूचना भी मुझे उसी व्यक्ति ने दी जिसने उसे कैद किए जाने की सूचना दी थी। आज भी मेरी आंखों के सामने रामकन्या का वह भोला और मासूम चेहरा घूमता है। रामकन्या को याद कर मन बेचैन उठता है। बस यही थी रामकन्या की कहानी। लेकिन रामकन्या की कहानी ने हमें एक सबक दिया कि जो भीलवाड़ा राजसमंद डूंगरपुर में जो उदयपुर में पूरे बेल्ट में जो महिलाओं को डायन बताते हैं और जो भोपे हैं वो इसकी मेहनत अहम कड़ी है। हमने कभी उन भोपों तक पहुंचने की कोशिश नहीं की थी। डायन को लेकर खबर तो हमने बहुत की थी लेकिन कभी भोपों तक पहुंचने की हमने कोशिश नहीं की थी। रामकन्या की कहानी के बाद में हमने उन भोपों का स्टिंग किया पहली बार और 50 भोपों का स्टिंग करके हमने उन्हें जेल में पहुंचाया। तो ये एक छोटी सी कहानी थी, आपको पता नहीं कैसी लगी होगी। बस यही था और आप सब लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। सब लोग महेश जी हैं, सब लोग जुड़े हुए हैं, काफ़ी लोग हैं, सब लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।